नमस्कार बच्चों, तो आज क्लास फर्स्ट के लिए हम सीखने जा रहे हैं कविता। आज क्लास फर्स्ट के लिए हम सीख रहे हैं बच्चों कविता। कविता को इंग्लिश में पोयम कहा जाता है। कविता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? पोयम कहा जाता है। ओके, तो आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में कौन सी कविता सीख रहे हैं? तो कविता का नाम है मेरे प्यारे जानवर। मेरे प्यारे जानवर, यहाँ पे मेरे यानी इसका अर्थ होता है माय, प्यारे यानी इसका अर्थ होता है लवेबल, और जानवर इसका अर्थ होता है बच्चों एनिमल। ओके, तो मेरे प्यारे जानवर, माय लवेबल एनिमल। ओके, तो यह कविता आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पेज नंबर 44 में यहाँ पे मेरे प्यारे जानवर कविता को दिया गया है, और कविता के आधार पर, कविता के रिलेटेड यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। तो इस चित्र में एक लड़का है, उसका नाम है मुन्ना। चित्र में एक लड़का है, ऊपर उसका नाम है मुन्ना, और उसके साथ बहुत सारे जानवर है, प्राणियाँ हैं। तो बिल्ली है, गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, मुर्गा है, यह सब प्राणियाँ वहाँ पे हैं। और इन प्राणियों के साथ ये मुन्ना क्या कर रहा है? खेल रहा है, हंसी खुशी से, मजे से उनके साथ व्यवहार कर रहा है। ओके, तो मुन्ना के साथ साथ यहाँ पे जो प्राणियाँ हैं, वे सब प्राणियाँ अपने अपने ध्वनियों में अपने लिए क्या खाने के लिए चाहिए, क्या पीने के लिए चाहिए, यह वे क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये सारे प्राणियाँ अपने अपने ध्वनियों में किस प्रकार से अपने खाने पीने के चीज़ें को बता रहे हैं, यह हम इस कविता को पढ़कर जानेंगे। ओके, मेरे प्यारे जानवर, मामा करती कहती गाय मुझे खिलाओ ताजी घास। गाय किस प्रकार से ध्वनि निकलती है? मा। ओके, मा ऐसे ध्वनि निकालती है। तो मामा करती कहती गाय मुझे खिलाओ ताजी घास। गाय क्या खाती है बच्चों? घास खाती है, राइट? गाय का खाना घास होता है। तो यहाँ पे गाय अपने पेट के लिए, पेट भरने के लिए वो ताजी घास को क्या कर रही है यहाँ पे? खिलाने के लिए बोल रही है। मामा करती कहती गाय मुझे खिलाओ ताजी घास। भौं भौं करके कुत्ता कहता, भौं भौं करके कुत्ता कहता, हड्डी नहीं है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे कुत्ता भी है, और कुत्ता कैसे ध्वनि निकालता है? भौं भौं ऐसे करके ध्वनि निकालता है, और वो बोलता है अरे बाप रे, मेरे पास तो हड्डियाँ ही नहीं है, क्योंकि कुत्ता इधर से उधर, उधर से इधर, जो चाहे खाने को मिले तो खाना है, नहीं मिले तो वैसे ही सो जाना है। ऐसे कर करके सिर्फ क्या हो जाता है, ऐसे वीक रह जाता है कुत्ता। ओके, जो खाने के लिए अच्छे से मिलते हैं वो कुत्ते मजबूत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर की कुत्ते बहुत ही वीक होते हैं। यस, तो यहाँ पे कुत्ता भौं भौं करके क्या कह रहा है? हड्डी नहीं है मेरे पास, हड्डी नहीं है मेरे पास। हिन हिन करता घोड़ा आता, कहता दाना मुझे खिलाओ। यहाँ पे घोड़ा हिन हिन ऐसे करके ध्वनि निकालता है, और वह कहता है कि दाना मुझे खिलाओ। अरे मेरा भी पेट बहुत भूख से चड़पड़ कर रहा है, मुझे भी खाने के लिए दाना खिलाओ। तो घोड़ा यहाँ पे दाना खाता है, तो वो अपने लिए दाना खिलाने का बात यहाँ कर रहा है। वैसे ही म्याओ म्याओ कहती बिल्ली, जल्दी मुझको दूध पिलाओ। बिल्ली क्या पीती है? दूध पीती है। बिल्ली दूध पीती है, तो वो भी भूख के मारे यहाँ पे आई और बोल रही है
अरे कोई मुझे दूध तो पिलाओ, और अपनी ध्वनि में। और बिल्ली कैसी ध्वनि निकालती है? म्याऊ म्याऊ, ऐसे करके वो ध्वनि निकालती है। तो अपनी ध्वनि में वो बोल रही है, अरे बाप रे, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी दूध पिलाओ कोई। ओके, तो उसमें उस समय ही कुकड़ुक वहाँ पे आता है। कुकड़ुक करता है मुर्गा, चावल का चूरा ले आओ। तो बिल्ली वहाँ पे आकर म्याऊ म्याऊ करके मुझे दूध पिलाओ ऐसे बोलती है। तो उसके बाद में कुकड़ुक कु करता वहाँ पे मुर्गा आता है, और वह भी बोलता है कि अरे मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कोई चावल का चूरा लेकर आ जाओ, कोई चावल का चूरा लेकर आ जाओ, मुझे भी भूख लगी है और मैं चावल का चूरा खा लूँगा। ओके, तो मुर्गा कुकड़ुक कु करके चावल का चूरा लाने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट मुँह करके मुन्ना कहता, दूध मलाई मुझे खिलाओ। यहाँ पे मुन्ना गाय का सुनता है, कुत्ते का सुनता है, बिल्ली का सुनता है, घोड़े का सुनता है, मुर्गा का सुनता है, और बाद में बोलता है कि अरे सिर्फ तुम्हें ही भूख नहीं लगी है, मुझे भी भूख लगी है, और मेरा भी पेट मुझे भर लेना है, अरे कोई मुझे दूध मलाई खिलाओ, ऐसे मुन्ना बोलता है। अरे कोई मुझे दूध मलाई खिलाओ, ऐसे मुन्ना बोलता है। यानी यहाँ घोड़े की तरह, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, मुर्गा की तरह, गाय की तरह मुन्ना भी यहाँ भूख से चड़पड़ाते हुए क्या करता है, अरे कोई मुझे दूध मलाई खिलाओ ऐसे बोलता है। क्योंकि मुन्ना और जानवर साथ में खेल खेल कर थक गए, थकने के बाद उनको भूख लगी, प्यास लगी, तो खाने के लिए अपने अपने ध्वनियों में क्या करने लगे, अरे मुझे कोई मुझे कोई घास खिलाओ, गाय बोलता है, घोड़ा बोलता है, अरे मुझे कोई दाना खिलाओ, कुत्ता बोलता है अरे मुझ में तो हड्डी ही नहीं है, और बिल्ली बोलती है मुझे दूध पिलाओ, कुकड़ू को बोलती है मुझे चावल का चूरा लेकर आओ। और इनके बाद मुन्ना बोलता है अरे मुझे भी बहुत भूख लगी है, कोई मुझे दूध का मलाई खिलाओ। तो इस प्रकार से साथ में खेलते हुए मुन्ना और जानवर थक जाते हैं, और भूख के मारे अपने अपने खानों की चीज़ें यहाँ पे मांगते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार मेरे प्यारे जानवर में बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय और मुर्गा अपने अपने ध्वनियों में अपने खाने की चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, और मुन्ना के साथ खेलते कूदते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर इस कविता को दोहराते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। मामा करती कहती गाय, मुझे खिलाओ ताजी घास। भौं भौं करके कुत्ता कहता, हड्डी नहीं है मेरे पास। हिन हिन करता घोड़ा आता, कहता दाना मुझे खिलाओ। म्याऊ म्याऊ कहती बिल्ली, जल्दी मुझको दूध पिलाओ। कुकड़ुक करता है मुर्गा, चावल का चूरा ले आओ। ऊ करके मुन्ना कहता, दूध मलाई मुझे खिलाओ, दूध मलाई मुझे खिलाओ। ओके, तो इस प्रकार बच्चों मेरे प्यारे जानवर में मुन्ना और उसके साथ खेलने वाले जानवर क्या करते हैं, यहाँ पे अपने अपने खाने की चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए बोलते हुए बताते हैं। ओके, तो कविता अच्छी लगी बच्चों? ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे प्यारे जानवर यह कविता समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे प्यारे जानवर इस कविता को पढ़ना है और इसे कंठ पाठ भी करना है। कंठ पाठ यानी यहाँ पे बाय हार्ट इसका अर्थ होता है। ओके, कंठ पाठ करना यानी बाय हार्ट करना। ओके, तो आपको क्या करना है, मेरे प्यारे जानवर इस पद को, इस कविता को, इस गाने को
लेटर सहित आइडेंटिफाई करके पढ़ना है और इसे कंठपाठ यानी बाहट भी करना है, ओके। और इस कविता को कंठपाठ करके बच्चों आप लोगों का एक एक वीडियो मुझे सेंड करना है, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।